नानक सब किस तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। मेरा नाम जगदीप सिंह है, मैं आम आदमी पार्टी से एमएलए हूँ हरिनगर से। आम आदमी पार्टी बनते ही आपने देखा है कि लोग अपना दुख दर्द लेके पहुंचे, भी हमारे बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उनकी बिजली जोड़ने खुद पहुंच जाते थे। लोगों को एक ऐसे लगता था कि उनमें से ही एक व्यक्ति है जो उनके दुख दर्दों को समझ रहा है। ये चैलेंजेस से डर नहीं लगता, मतलब सच्चे मन से ईमानदारी से अपना काम करते चले जाओ, परमात्मा आपके साथ चलता है और आपके काम होते हैं। जो भी आपने काम करना है उसको अपना रिलीजन की तरह मान के चलो, और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या जो आपके पास काम के लिए आए हैं उसको नर नी नारायण समझो बस। अगर उसका काम कर दिया, आपने परमात्मा का काम कर दिया बस। मैं अंबाला कैंट में पैदा हुआ अपने नाना के घर, और वहीं मैं तीसरी क्लास तक वहीं पर मैं पढ़ा लिखा। फिर अपने माता पिता जो दिल्ली में रहते थे उनके पास यहाँ आ गया। यहाँ मैंने गुरु नानक पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। अपने बिजनेस में इतना मैंने बिजनेस डेवलप कर लिया था कि मेरा सारा ध्यान बिजनेस की तरफ चला गया। बिजनेस करते करते एक लेवल ऐसा आ गया कि मेरी शादी होगी, जहाँ दिल्ली में सीलिंग ड्राइव आज चलती है इसी तरीके से उस वक्त सीलिंग ड्राइव चली थी, जहाँ मेरे को मेरी दुकान को सील कर दिया गया था। और फिर मैं एक प्रोफेशन में आया रिस्क मैनेजमेंट के, जहाँ मैंने शादी के बाद दोबारा से पढ़ाई शुरू की। रिस्क मैनेजमेंट में मैंने लाइसेंसिएट की, एसोसिएट को परस्यू किया और दोबारा से कॉरपोरेट एजेंट बना और अपनी एक कंपनी खोली, जहाँ पर 14 एम्प्लॉइज रख के हम लोग पूरी दिल्ली में इंश्योरेंस किया करते थे। मेरे पिताजी मारुति स्पेयर्स के बिजनेस में थे, स्पेयर पार्ट के बिजनेस में थे। मेरी माताजी सरकारी कर्मचारी थी, हरियाणा गवर्नमेंट में वो अस्पताल में सिस्टर की तरह काम करती थी। 1984 में जब सिख कत्लेआम हुआ तो मेरे पिताजी के चोट लग गई और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो मेरी माता जी ने ही मेरी, इन्होंने मुझे पाला बड़ा किया और इस लायक बनाया कि हम लोग आज इस मुकाम पे पहुँचे। हम लोग दो भाई बहन हैं, एक बहन है और एक मैं हूँ। बहन शादीशुदा है, वो अपने घर में है। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी है कीरत जो पढ़ाई में अच्छी निकली और कुछ स्कॉलरशिप लेके और लोन लेके वो बाहर पढ़ने गई हैं। आज उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ नौकरी कर रही हैं वो बाहर। और बेटा अभी 10th क्लास में है, स्वराज मेरे बेटे का नाम है। और इन दोनों बच्चों के साथ मेरी वाइफ हैं, जो कि वो एमएलए तो नहीं है लेकिन एमएलए की तरह रोल अदा करती हैं। लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करने में मेरी हेल्प करती हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को समझती हैं कि लोगों का दुख दर्द क्या है, कैसे गरीब लोगों के किस तरीके से उनको काम नहीं हो पाते तो वो भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। तो वो बहुत सारे कामों में मेरी मदद करती रहती हैं और मेरे साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ काम करती हैं। हम दोनों में कभी भी दिन रात हमें पता नहीं होता कि हम साथ हैं कि नहीं। लोगों की प्रॉब्लम्स ही हमारे लिए जो है हमारे घर के इश्यूज होते हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि कपड़े कब सिलवाने, हमने घूमने कब जाना है, हमने अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने जाना है। ये बातें हमारी ज़िंदगी में नहीं है। लोगों के काम कराना वो हमारी प्रायोरिटीज़ हो गई। मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं जहाँ पर पिताजी से
सिर्फ एक जो बच्चा जैसे अपने पिता से डरता होता है वही एक था, लेकिन मेरी दोस्ती अपनी माँ से ज़्यादा थी, वो मुझसे शेयर करती थी। आज भी जब MLA बनने के बाद उन्होंने मुझे एक ही बात की कि बेटा मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत ईमानदारी से गुजारी है, तो तूने भी लोगों को बहुत ईमानदारी से हेल्प करना है। इन्होंने पूरी लाइफ में हमें सिखाया कि ईमानदारी इज समथिंग कि आपको सक्सेस दिलवा सकती है। तो आज भी ये वर्ड्स जो है हमारे लिए प्रेयर की तरह है। राजनीति में जो एक प्रॉब्लम थी कि लोग जिसको चुन के भेजते थे वो राजा बन के बैठ जाता था, और पब्लिक जो थी वो एक स्लेवर्स की तरह उसके आगे झुकी रहती थी। लेकिन आम आदमी पार्टी में, चाहे पार्टी बनते ही आपने देखा है कि लोग अपना दुख दर्द लेके पहुंचे, भी हमारे बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उनकी बिजली जोड़ने खुद पहुंच जाते थे, तो कहीं ना कहीं लोगों के दुख दर्द जब हम लोग उनके साथ राउंड लेते थे, किसी को अस्पताल में ज़रूरत होती थी तो वो अस्पताल वालों से बात करके कहते थे कि इसको एडमिट कर लो, तो उनके जो फॉलोअर्स थे वो उनको फ्री में ट्रीटमेंट दे देते थे लोगों को। तो लोगों को एक ऐसे लगता था कि उनमें से ही एक व्यक्ति है जो उनके दुख दर्दों को समझ रहा है। ये खूबसूरती ने मुझे उनकी तरफ आकर्षित करती चली गई, और मुझे लगा कि ये इनके साथ काम करना चाहिए। देश में जो बदलाव चाहिए, जो एक राजनीतिक परिवर्तन की मांग कर रहा है पूरा देश, वो ये आदमी पूरा कर सकता है। लोग कहते हैं कि बहुत पैसा है, तो हम लोग तो मतलब बिल्कुल जेब से ठन हो गए यहाँ पर, मतलब जो बिजनेस में अर्निंग थी वो राजनीति में नहीं है। बट ये है कि एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो उनके साथ मिल रहा है, लोगों के काम कराते हैं, एक अंदर से एक फीलिंग आता है कि हमने ऐसे ऐसे काम कर दिए, लोगों की पेंशनें लगा दी, जो करना चाहते थे हम लोग अपनी मदर के हॉस्पिटल में, जो देखते थे कि क्या क्या तब्दीलियां हम ला सकते हैं अस्पताल में कि लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिल सकें। पहले लोगों में एक ही धारणा डाली गई थी कि पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा, वो हमारे देश की बड़ी प्रॉब्लम है। अरविंद केजरीवाल इसका भी सोल्यूशन लेके आए हैं। ही डू नॉट से कि पॉपुलेशन इज़ जो है वो प्रॉब्लम है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एडवोकेट्स बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल लोगों को बना सकें, वो 190 कंट्रीज़ में जब जाके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडियन इकॉनमी को ही सपोर्ट मिलेगी। उनका मानना है कि पॉपुलेशन को मैनेजमेंट करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चों की पढ़ाई की तरफ उन्होंने ध्यान दिए, एक एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने की कोशिश की है, जिसको मनीष सिसोदिया ने अमली जामा पहनाया है, जहाँ पर आप देखेंगे कि वो स्कूल आपको बड़े से बड़े स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, कि जिन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद, वो चाहते थे वो एक बहुत बड़े बैरिस्टर बन के बंगले में रह सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान आकर उन्होंने उस आंदोलन को बड़ा किया, और ना कि आंदोलन को बड़ा किया, गांव-गांव जाके सब में एक विश्वास की लहर क्रिएट की कि हमें आज़ादी मिल सकती है। और जितनी बाकी मोमेंट्स भी अगर चली हैं तो वो श्रेय गांधी जी को जाता है। ही वॉज लाइक अ फादर फिगर, वाकई उनको पिता कहा जाता है, तो वो एक किसी भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ जो है वो महात्मा गांधी। चैलेंजेस तो एक आम आदमी की लाइफ में भी रहते हैं, मेरी पहले की लाइफ में भी थे, अभी की लाइफ में भी है। ये चैलेंजेस से डर नहीं लगता, मतलब सच्चे मन से ईमानदारी से अपना काम करते चले जाओ, परमात्मा आपके साथ चलता है और आपके काम होते हैं। जो भी आपने काम करना है उसको अपना रिलीजन की तरह मान के चलो,
वो रिलीजन है आपका। और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या जो आपके पास काम के लिए आए हैं, उसको नर नी नारायण समझो बस। अगर उसका काम कर दिया, आपने परमात्मा का काम कर दिया बस। साढ़े सात पौने आठ बजे तक उठता हूँ, तैयार होके यहाँ लोगों को मिलता हूँ, फिर ऑफिस में मिलता हूँ। उसके बाद करते करते फिर ऑफिसर से मीटिंग होती है। उसके बाद एरिया में जो जो काम है वो प्रॉपरली हुए हैं कि नहीं उनको देखना, सचिवालय में मीटिंग करनी, वापस आके रात को वॉलेंटियर्स से मीटिंग करनी। वो मीटिंग्स रात को कई बार डेढ़ डेढ़ दो दो बज जाते हैं मेरे। उसके बाद मतलब आप ये लगाइए कि दो ढाई बजे जाके मैं सोता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, एक्सप्लोरिंग का शौक ज़्यादा है। मैंने अंडमान निकोबार भी देखा है, बहुत ही सुंदर देश है। हर तरीके के रंग यहाँ पर है, पहाड़ भी हैं, नदी भी हैं, मनाली भी जाके देखा है मैंने, दूसरे प्रांत भी देखे हैं जाके। बहुत ही सुंदर सुंदर देश है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, और इसको मेंटेन रखना जो है वो हमारा कर्तव्य है। मेरी एक ही हॉबी है जी, मतलब हर चीज़ को एक्सप्लोर करना, बिल्कुल एंड तक एक्सप्लोर करना कि वो चीज़ कैसे बनी, कैसे मतलब अगर मेट्रो दिल्ली में बनाई जा रही है तो किस तरीके से बनाई जा रही है। मेरे यहाँ UGR बन रहा है तो मैं सिर्फ UGR को दूर से देख के नहीं आ जाऊँगा, वो UGR कैसे काम करेगा। प्रेशराइज ऑटोमेशन सिस्टम लेके आ रहे हैं जहाँ पर हम लोग पानी की मोटरें हटा देंगे, वो कैसे काम करेगा, किस तरीके से पाइपलाइंस बिछेंगी उसको देखना। सीवर सिस्टम काम कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, कहाँ से सक्शंस हो रही हैं, किस तरीके से हम इन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है उसको एक्सप्लोर करना, मेरा मतलब ये शुरू से एक हैबिट कह लीजिए, शौक कह लीजिए, मेरा रहा है। मतलब नानक सब किस तुम्हारे हाथ में, तुम ही होत सहाय। हे परमात्मा, सब कुछ तेरे हाथ में है और तूने ही हमारी सहायता करनी है। गॉड इज समथिंग कि आपकी जहाँ पर सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं, उसकी पावर वहाँ से शुरू होती है। 60 साल की अम्मा जब आपको आके जोर सी आपको जफ्फी पाले और नाचने लग जाए कि मेरी पेंशन लग गई है और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ये मेरे लिए बड़ी ज़रूरी थी, तो वो आप में मतलब इतना करंट पैदा कर देती है वो चीज़ कि आप अगले 10 दिन तक आप और काम कर सकते हो। इस लाइन में पहले आने से पहले एक आम धारणा थी मेरे अंदर, जैसे एक स्कूल में बच्चे के मार्क्स जितने ज़्यादा आते हैं उसको उतना इंटेलिजेंट समझा जाता है, एक आदमी जितना ज़्यादा पैसा कमाता है उसको उतना सक्सेसफुल माना जाता है। यही धारणा मेरी भी होती थी कि ज़्यादा पैसा कमाया जाए आप ज़्यादा सक्सेसफुल माने जाएंगे। ये सब धारणाएं गलत हैं, मतलब आपकी सक्सेस और आपको सोशल होना तब समझा जाएगा कि केरला में अगर बाढ़ आई है तो केरला के कॉर्नर पे जो एक आदमी दुखी बैठा है उसको अगर उसके पास कोई भी चीज़ नहीं है, आप उसको हेल्प कर पाए, उसका दुख दर्द यहाँ बैठ के समझ पाए, आप उस दिन लड़ियाँ ना लगाएं, आप उस दिन पटाखा ना बजाएं, आप सोशलिस्ट होते हैं। वैसे नाच गाना करके और गली में 10 लोगों से मिलने से सोशल नहीं हो जाता। जो यहाँ पर एक क्लीन इंडिया मूवमेंट चलनी चाहिए, सड़कें हम बना देंगे, पटरी हम बना देंगे, सारी चीज़ें हम बना देंगे, लेकिन जो माइंडसेट है वो एक मोमेंट से चेंज होता है। यहाँ पर चाहे खुद ज़मीन पे उतरना पड़े, हम लोग बहुत बार यहाँ पर कूड़ा उठा रहे होते हैं, लेकिन इस बारी कूड़ा उठाना नहीं है, लोगों से कूड़ा उठवाना भी है और उनको कहना भी है दो थैली आप भी खरीद के लेके आओ। रीज़न बीइंग की एक मोमेंट पैदा करनी है जहाँ पर लोगों के अंदर माइंडसेट पैदा हो कि धरती को साफ रख के ही वो जो है पॉल्यूशन और एक हाइजीनिक लाइफ जी सकते हैं।
वो पानी को साफ रखते हैं, हवा को साफ रख सकते हैं, खाने को साफ रख सकते हैं। ये तीन चीज़ें बॉडी के लिए ज़रूरी है। ये इनकी क्लीननेस बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा हवा, अच्छा पानी, अच्छा खाना, उसके लिए मुझे चाहे लोगों को साथ लेके, आपको ही क्यों ना साथ लेके एक मूवमेंट शुरू करनी पड़े कि एक क्लीन इंडिया मूवमेंट शुरू होनी चाहिए, जहाँ पर लोगों के माइंड सेट हो जाए कि अपने देश को हमने सुंदर बनाना और साफ बनाना है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, पानी की समस्या ख़त्म कर दी, सीवर की समस्या ख़त्म कर दी। पार्कों में लोग एक्सरसाइजर जिम मांगते थे, वो जगह जगह लगा दिए। जहाँ डार्क स्पॉट्स थे वो ख़त्म कर दिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा और ये सब चीज़ें हमारे लिए प्रायोरिटीज थी। 22 साल से एक जगह DTC स्टॉप नहीं लग पाया था, वो बेचारे उन्होंने दोनों पार्टियों का मुंह देख लिया था, लेकिन DTC स्टॉप नहीं लग पा रहे थे। बुज़ुर्ग लोग धूप में खड़े होते थे, बड़ा दुख होता था। आज वहाँ पर स्टॉप लग गए हैं। अस्पताल में डायलिसिस सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया है, वार्ड बेड बढ़ा दिए गए, 200 से ज़्यादा बेड बढ़ा दिए गए हैं। इतने ज़्यादा वॉलंटियर कर दिए गए हैं कि लोगों को दिक्कत ना आए। मायापुरी में 37 साल से सड़कें नहीं बनी हुई थी, और मुझे याद है मैं भी एक बार एक सेकेंड हैंड एक लाइट लेने आया था, तो अगर आपका स्कूटर धीरे हो गया तो आपका स्कूटर जाम हो जाता था, इतना इतना गारा होता था वहाँ पर। लेकिन आज वहाँ पर 16 इंच मोटी सड़कें बनाई गई हैं। उस लाइन के लोग इतने खुश हुए हैं, तो अपने आप में बड़ा गर्व सा महसूस होता है। जैसे योगा हॉल आप बनाया, वहाँ पर जब बुज़ुर्ग योगा कर रहे हैं, या आपने कहीं पर सीनियर सिटीज़न हॉल बनाया, वहाँ पर वो बुज़ुर्ग आपको सीनियर सिटीज़न मीटिंग में आपको बुलाते हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि आपने कोई चीज़ को पैदा किया और वो आपके सामने खेल रही है। 2.5 MGD पानी बढ़वा के आज यहाँ पर पानी, मीठे पानी की समस्या दूर कर दी है। यहाँ पर हर मोहल्ला सभा करके लोगों से बात करके कि आपको क्या चाहिए, किसी ने बेंचेस मांगे, किसी ने अपने यहाँ पर योगा रूम मांगा, किसी ने हेल्थ रूम मांगा, किसी ने सीनियर सिटीज़न हॉल मांगा, किसी ने सड़क बोली, किसी ने पटरी बोली, तो जो लोगों ने बोला उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने काम करते चले गए। इसमें सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरी वाइफ रही हैं, कार्यकर्ता भी कह सकते हैं आप उसको, या पहला ऐसा व्यक्ति जिसने विश्वास किया था कि आप कर लोगे और मेरे साथ चली। वो रिश्तेदार, परिवार के सारे सदस्य अभी जो नहीं चाहते थे कि राजनीति में जाए, लेकिन उन्होंने कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया। यंग ब्लड अपने आप में एनर्जी होती है। किसी भी देश में अगर आज जाकर देखें, वो यंग ब्लड की डिमांड कर रहा है, क्योंकि फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। आज देश को अगर बदलाव लाना है यहाँ पर, तो यंग ब्लड को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनको संभालना पड़ेगा। जो IQ उन लोगों का है, जितने सूझवान वो लोग हैं, शायद हम लोग उतने नहीं हैं। अगर वो आगे आके इस चीज़ को कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास टाइम लंबा है, वो लोग अगर आज संभाल लेंगे तो उनके रहते रहते तक एक बदलाव उनको दिखाई देगा। तो उनकी एक बड़ा वाइटल रोल है, उनका बहुत बड़ा प्रांत है और इतनी कम्युनिटीज़, इतनी संस्कृतियों को लेके संजोए हुए ये बैठा हुआ है। इसको संभाल ले अगर वो, तो शायद हम दुनिया का सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होगी, जो कि जिसको दुनिया विजिट करना चाहे। जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद जस्ट 4 डेज के बाद, मतलब आई विल शॉक्ड कि इनकी जो शॉप थी वो टूट गई थी। मेरे मन में फील आता था कि मैं क्या इतनी अनलक्की हूँ कि मेरे आते ही ये स्टार्ट हो गया, पर मैंने हौसला नहीं तोड़ा। इनके साथ एक कैसा एटमोसफेयर लगता था कि मुझे जैसे कि इनकी इनकम की नहीं, इनके घर की नहीं ज़रूरत। इनका नेचर ही इतना अच्छा था कि मैं इनके साथ एडजस्ट हो जाती थी, चाहे वो एक रोटी खाऊँ चाहे दो रोटी खाऊँ।
अंदर हम जैसे मर्जी हैं लेकिन बाहर हम खुशी खुशी जाहिर करते थे। बट उनके हौसले के कारण मैंने भी जॉब ज्वाइन की, एनजीओ में जॉब ज्वाइन की, वहाँ मैंने एनटीटी का कोर्स किया हुआ था, वहाँ मैं इंटरव्यू वगैरह दे करके सिलेक्ट हो गई, मेरी जॉब लगी। एक्चुअली साल भर तो इनका कोई काम ही नहीं था, जो मेरी इनकम या फिर मदर इन लॉ की जो इनकम आती थी हम उसी से गुजारा करते थे। तो इन्होंने इंश्योरेंस ज्वाइन किया था, इंश्योरेंस में लाइसेंसशिप के इन्होंने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, उनमें इन्होंने क्लियर किया। क्लियर करने के बाद इनको लगा कि इनका जो मतलब जब मेरी डॉटर हुई, डॉटर का भी खर्चा हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकाला कि डिलीवरी का चार्जेस वगैरह। तो जब इन्होंने इंश्योरेंस का काम शुरू किया तो कह रहे हैं रमिंदर मेरे साथ मार्केट चलो। मैंने कहा चलो। उस टाइम पे पटेल नगर मार्केट में गोपालिका शॉप थी जो सबसे महंगी शॉप थी। कह रहे मैं अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है खरीदो। इनको फर्स्ट चेक उस टाइम मिला था, वो फर्स्ट चेक 600 रुपये का था। कह रहे मैं 600 रुपये ये कैश करवा लिए तो आप मेरे साथ चलो, और मेरे साथ इसके लिए मैंने कुछ गिफ्ट लेना है, मैंने तुम्हारे लिए लिया नहीं लिया लेकिन इस बेटी के लिए लेना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा गिफ्ट होगा 200 का, 250 का, 300 का, इससे ज़्यादा क्या लेंगे गिफ्ट। गोपालिका गए, वहाँ बहुत अच्छी ड्रेस थी, वाइट कलर की शर्ट्स और जीन्स क्रॉस में थी उसकी शर्ट टॉप था। तो इनको यही पसंद आया था, कोई और पसंद नहीं आया, कहते मुझे लेना तो यही लेना है। तो कह रहे मैम का ठीक है ले लो, इतना आप क्यों सोच रहे हो। जब हम पेमेंट करने गए तो पेमेंट वाले से पूछा कि क्या प्राइस है इसका, उसने बोला 600। मैं शॉक हो गई कि 600 तो इन्होंने फर्स्ट टाइम इनकी कमाई थी और 600 की ड्रेस ले लेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं मुझे तो लेनी लेनी है। मैंने कहा कोई नहीं, जहाँ इतना सब्र किया अपने बच्चे के लिए ले रहे हो, 600 की इन्होंने ड्रेस ली और बच्चे को फर्स्ट गिफ्ट इन्होंने प्रेजेंट किया। बहुत अच्छे हैं, मिक्सअप हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, बच्चों के साथ गाना गाते हैं, बच्चों के साथ जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही बच्चों के साथ घुल जाते हैं। बच्चे खाना चाहते हैं कि पापा आज मुझे ये चाहिए, चलो नहीं लेकर आ सकता मैं घर पे ही बनाकर आपको देता हूँ। मेरे को तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मतलब कि अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था तो जो कॉन्फिडेंस है वो जगदीप जी की वजह से आया है। जब इनको पार्टी का टिकट भी मिला था तब भी हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखे कि हम तो पड़ोसी को नहीं जानते तो हम इलेक्शन क्या जीतेंगे, लेकिन कुछ मेरे मन में ऐसे आया कि जैसे ये कुछ कर सकते हैं तो मुझे साथ देना चाहिए। कोई इनका साथ नहीं दे रहा और ये करना चाहते हैं और मैं साथ नहीं दे रही। मैंने भी इनका धीरे 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 इन्वॉल्व होना शुरू हो गई, मतलब कि अकेली मैं और दो बंदे और उठा के हम नांगल घूमते थे, 10-10 रुपये की पर्ची काटते थे, 10-10 रुपये इकट्ठे करते थे। जब हम इन्होंने नॉमिनेशन का फॉर्म भरना था उस टाइम पे हमारे पास पैसे तो थे नहीं, तो इन्होंने मुझे कहा कि रविंदर ऐसा करो अपने ब्रदर के साथ जाओ, ज्वेलरी अपनी रख के आओ और गोल्ड लोन ले आओ। तो फिर मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया कि सुबह रेडी रहना, हम चलेंगे लोन लेने के लिए और 10 लाख रुपये हमें चाहिए। इमीडिएट जो हमारे एक अंकल हैं गुजराल अंकल, उनका कॉल आ गया, रविंदर कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा मेरे मुसीबत में ये कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं कहा किस बात की अंकल कॉन्ग्रेचुलेशन। कह रहा रात का डिनर आपके साथ करूँगा। मैंने कहा ठीक है आप डिनर करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बधाई किस बात की। कह रहे आपके अकाउंट में 10 लाख रुपीज़ आ चुके हैं, पार्टी ने आपको 10 लाख रुपये दिए हैं। तो मतलब कि मुझे लगा कि गॉड है, काम तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, कि जिन लोगों के 25-25 साल से काम नहीं हुए थे उनके काम, इवन अपने हमारे यहाँ के एरिया का ही ले लीजिए, जहाँ 25 साल से पानी नहीं आया, मीठा पानी नहीं आया, मीठा पानी के लिए तरस रहे थे, इन्होंने सबसे पहले आके अपने एरिया में पानी की मीठी लाइन की पानी की बिछाई और जिसमें पूरे एरिया में आज मीठा पानी आता है। इवन यहाँ नहीं और भी जगह काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, जिन लोगों के काफ़ी टाइम से काम पेंडिंग चल रहे थे वो काम इन्होंने रीस्टार्ट करवाया। जब जगदीश 6 में थे, इनके फादर की डेथ होगी 84 में, सब ने क्या आप मुआवजा लो, मैं क्या मैंने नहीं लेना, मैं अपनी मेहनत से बच्चों को पालूंगी। मैंने बच्चों को क्या कि मेरे पे विश्वास, मेरा विश्वास नहीं तोड़ना, तुमने मेहनत करनी है। बच्चों ने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा और खूब मेहनत से पढ़े हैं। अब जब ये राजनीति में आया, पहले मैं क्या देख बेटे मुश्किल से स्टैंड हुए हैं तो कैसे करेगा, हमारे पास मनी और मैन पावर नहीं है। देखो भगवान करेगा, इतने देर भगवान करता रहा, अब भी भगवान साथ देगा, मैं सच्चाई पे चलूँगा वो साथ देगा, उसने साथ दिया। ये दोनों बारी जीता, पहली बारी 9,500 से जीता,
दूसरी बारी 26,500 से जीता। और इसको मैंने कहा तूने ईमानदारी से और मेहनत से काम करना और अपना वो याद रखना टाइम। इसने वही टाइम याद रखा, ईमानदारी मेहनत से काम कर रहा और सुबह मेरे को मिले बगैर नहीं जाता, शाम को आता है मेरे को मिलता है।